इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन टू रजिस्टेंस ऐसे भी लिखिए कई बार पूछेंगे इतने मिनट में इतना चार्ज बह जाता है और इतना रजिस्टेंस तो है तो वोल्टेज डिफरेंस निकालिए नोमेरिकल्स में पूछेंगे तो आप निकाल सकते हैं फिर यह वी आई ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है थीटा थीटा यह वी आई ग्राफ है सो इट रिप्रेजेंट कंडक्टेंस है ना कंडक्टेंस जीरो मीन रजिस्टेंस इज इंफिनिटी एंगल इंक्रीजेस 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 रजिस्टेंस डिक्रीजेस 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 रजिस्टेंस बिकम्स जीरो इट इज आइडियल कंडक्टर कब जब वी आई ग्राफ है पूछते जनरली यही वाला है आई वी ग्राफ कॉज और इफेक्ट चेंज कर देते हैं सो so, यहां पर थीटा सीधे सीधे रजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा जीरो एंगल मीन्स जीरो रजिस्टेंस नाइंटी डिग्री मीन्स इनफाइनाइट रजिस्टेंस टेन नाइन्टी कितना होता है इन्फिनिटी टेन जीरो इज जीरो 1045 is 1. So, 10 0 is 0. This conductor ka resistance kitna 0. It is called ideal conductor. Superconductor it is. For superconductor, the IV graph it is straight line coinciding with the x-axis. And as angle increases, resistance increases, increases, increases 90 degree, रजिस्टेंस बिकम्स इन्फिनिटी आइडियल इंसुलेटर ये इस तरह से ग्राफ आएगा देन कॉन्सेप्ट इज डायनामिक रजिस्टेंस डायनामिक मतलब चेंज होने वाला बदलने वाला चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट ये भी हम देख चुके हैं हम जो भी रीडिंग्स लेते हैं वी टू माइनस वी वन करंट की लेते हैं आई टू माइनस आई दिस चेंज इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा वी इसको आप चेंज को वी टू माइनस वी वन लिखने के बजाय डेल्टा वी लिख सकते हैं चेंज इन करेंट को आप डेल्टा आई लिख सकते हैं फिजिक्स बोलती है कि इफ दिस चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल बहुत थोड़ा चेंज है बहुत थोड़ा चेंज है बहुत बहुत थोड़ा सा वोल्टेज आपने चेंज किया तो दिस डेल्टा वी कैन बी रिटर्न एज डी वी दिस डेल्टा आई स्मॉल चेंज इन करंट कैन बी रिटर्न एज आई तो इस चीज को डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है डी बाई डी आई ऑफ वोल्टेज इस तरह से लिखा जाता है स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक थीटा इज जी स्लोप ऑफ द आई वी ग्राफ कंडक्टेंस ऑफ द रिप्रेजेंट द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है थीटा इज इक्वल टू आर ये रहा

जो पदार्थ या धातु ओम के नियम को पालन करती हैं मतलब जिसमें ग्राफ वोल्टेज बढ़ने पे करंट भी सीधे सीधे बढ़ती है इंक्रीज होती है लीनियर होता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं ओमिक चालक बोलते हैं ओमिक चालक जैसे धातुएं, जैसे कुचालक जैसे मिश्र धातुएं, जैसे कार्बन ये सब ओमिक कंडक्टर होते हैं नोट करके इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा ओके

कई बार ग्राफ ऐसा आ जाता है कई बार ग्राफ ऐसा करके और ऐसा करके ऐसा चला जाता है इफ द ग्राफ इज नॉट लीनियर अगर कर्व अगर वक्र रेखीय नहीं है तो उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोला जाता है इसके एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं सेमी कंडक्टर्स अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम द कर्व इज एक्सपोनेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य वैक्यूम ट्यूब्स निर्वात बल्ब डायोड वॉल्व्स, स्पार्क बल्ब थायरिस्टर, एस बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स, डायोड गैस डिस्चार्ज ट्यूब विद्युत विसर्जन नलिका इलेक्ट्रिक बल्ब टॉर्च बल्ब इनमें क्या होता है कि जैसे ही बल्ब का फ्लामेंट गर्म होता है ना तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है तो ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं इंपॉर्टेंट नाउ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ओम्स लॉ फर्स्ट क्वेश्चन ओम्स लॉ इज वैलिड वेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज ओम का नियम तब मान्य है जब चालक का तापमान स्थिर हो निश्चित रूप से क्योंकि हमने देखा है टेम्परेचर चेंज होने से भी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बदल जाती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेन इन सब को फिक्स किया जाए कांस्टेंट रखा जाए सेकंड क्वेश्चन थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस फोर ओम ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है चार्ज ऑफ ट्वेल्व कूलम ये क्यों दिया हुआ है इस पासिंग इन टू मिनट्स ये टाइम दिया हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज बहुत सही वोल्टेज इज इक्वल टू करंट करंट मैंने आपको बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी आप लिख सकते हैं इनटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं चार्ज फ्लोइंग कितना है इट इज ट्वेल्व कूलम टाइम कितना है टाइम देखिए माइंड करिए ये मिनट्स में दिया है ये सेकेंड में होना चाहिए क्योंकि एम्पियर जो होती है वो कूलम पर सेकेंड होती है तो यहां पे आप डाल दो कितना टू इंटू सिक्सटी ये कन्वर्शन के कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रजिस्टेंस दिया हुआ है कितना फोर ओम सॉल्व कर लीजिए इट इज टू टू जर टू टू बाय फाइव टू बाय फाइव इंट फोर वोल्ट ए इज करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन द क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिसिटी एनालॉगस टू टेम्परेचर इज तापमान के जैसे विद्युत में कौन सी राशि है निश्चित रूप से टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो होती है पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो होती है फोर्थ क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टेंस फोरस सीमेंस जी दिया हुआ है द करंट इन द कंडक्टर इज तो हम अभी तक रटते थे सो so, को नीचे भेज दीजिए वॉट इज करंट करंट इज वी बाई आर और वन अपॉन आर तो कंडक्टेंस होता है तो करंट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इन वोल्टेज करंट इज इक्वल टू कंडक्टेंस फोर सीमेंस करेक्ट यूनिट है वोल्टेज टेन वोल्ट करेक्ट है फोर्टी एम्पियर इज द आंसर ए इज करेक्ट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करेंट थ्रू द कंडक्टर ओबिंग ओम्सला निम्न में से कौन ओम के नियम का पालन करने वाला चालक है वी आई ग्राफ ये लीनियर है वी आई ग्राफ लीनियर है लेकिन यह जब आपने वोल्टेज जीरो लगाया था तो करंट जीरो थी इतना वोल्टेज लगा दिया फिर भी करंट जीरो थी इसमें ये करंट वोल्टेज लगाया ही नहीं और करंट फ्लो होने लग गई इसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट डिक्रीज होने लग गई बेस्ट आंसर इज ए लीनियर ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन अ कंडक्टर हैज़ बीन शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ये आपको ग्राफ दे दिया एक्स एक्सिस पे एम्पियर दिया है करंट वाई एक्सिस पे वोल्टेज दे दिया है आपको पूछा जाता है करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन है तो रजिस्टेंस कितना होगा अब हमको स्ट्रेट लाइन कर्व दिया हुआ है सरल रेखा है हम कोई भी कन्वीनियंट वैल्यू ले लें ले किसकी एम्पियर की थ्री एम्पियर ले लिया इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है सिक्स थ्री एम्पियर करंट है सिक्स वोल्टेज है चेक द यूनिट ऑल्सो वोल्ट एंड एन एम्पियर वोल्ट एंड एम्पियर योर आंसर इज टू ओम बी इज करेक्ट आंसर